हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं रिव्यू करने जा रही हूँ डाइक्लोफिनिक डाइथीलामीन इंसिड ऑयल का, जो मेंथॉल जेल है और ये काफ़ी ज़्यादा मदद करता है जोड़ों के दर्द को कम करने में। जैसे कि इसके टैगलाइन में ही लिखा हुआ है, फॉर क्विक रिलीफ प्लेन एंड स्वेलिंग को कम करता है, जोड़ों के दर्द को कम करता है और जल्द से जल्द आपको रिलीफ प्रोवाइड करता है। और ये मेरे पास जो पैकेजिंग है वो 30 ग्राम की है, इससे बड़ा भी आता है। आप मेडिकल स्टोर या फार्मेसी में, नज़दीक फार्मेसी में जाकर इसे परचेज कर सकते हैं। ये एक जेल फॉर्म में है, तो आपको ऐसा भी नहीं है कि आप ऑयल लगा रहे हैं तो आप सिर्फ सोने के टाइम लगाएं या फिर जब आराम कर रहे हैं आप तब लगाएं। आप कहीं भी कोई भी काम कर रहे हैं या फिर आप कहीं पे वर्किंग में हैं, आप इसको अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, आप लगा सकते हैं। बात कर लेते हैं किस कितने दाम तक मिलता है, तो ये 120 तक मिलता है आपको। 120 के MRP है इसकी। ये सॉयल लैब से एफिलेटेड है, ये भी ना सोचिए कि ये ऐसा वैसा है। आपको ये पूरा लैब से एफिलेटेड होकर ही प्रोवाइड किया जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा है, क्योंकि मैंने इसे यूज़ किया हुआ है। साथ बात कर लेते हैं कि इसके यूजर्स की डायरेक्शन यूजर्स क्या है। तो डायरेक्शन यूजर्स हैं कि एज डायरेक्ट बाय द फिजिकल स्टोर्स वो कॉल कूल प्रेसेस डू नॉट द फ्रीज, इसको फ्रीज नहीं कर सकते। आप एक ठंडी जगह पर रख सकते हैं। क्यों नहीं फ्रीज कर सकते हैं? उसका भी एक कारण है, क्योंकि लिनसीड ऑयल इसमें यूज़ किया गया है और एक मेंथॉल जेल है, तो ये जेल बेस्ड फार्मूला है। तो इसमें अगर जो भी ऑयल्स वगैरह इसमें मिक्स किए गए हैं, अगर आप इसे कोल्ड स्टोरेज या फ्रिज वगैरह में रख सकते हैं तो ये फ्रीज हो सकता है और इसके अंदर जो भी बेनिफिशियल दवाइयाँ हैं वो आपस में सॉलिड फॉर्म में आ सकती हैं और ये अच्छे से वर्क नहीं कर सकती। इसीलिए आप इसे फ्रीजर में स्टोर नहीं कर सकते हैं। वार्निंग दी गई है कि नॉट फॉर द यूजेस, डोंट अप्लाई ऑन कट एंड कीप ट्यूब द लाइटली क्लोज्ड आफ्टर यूज। मतलब ये कहीं भी अगर आपको कट हुआ है या फिर आपको चोट है तो आप उस वहाँ जगह पे ना लगाएं, क्योंकि ये मेंथॉल जेल है, वहाँ पर ये थोड़ा सा छरछरा भी सकता है और आपको तकलीफ भी हो सकती है। तो जहाँ पर अगर आपको चोट है या फिर थोड़ा सा कट्स वगैरह लग गया है तो आप उस जगह पर बिल्कुल यूज़ ना करें। डायरेक्टली आपको वार्निंग में मेंशन कर दिया गया है, ठीक है। और आप इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने की बात है तो अब हम इसे ओपन करके दिखा देते हैं कि ये ओपन होने के बाद ये कैसा लगता है। ये देखिए, ओपन होने के बाद ही कुछ इस तरह से लगता है, जैसे कि ऊपरी की पैकेजिंग है वैसे ही अंदर की पैकेजिंग है। और ये इतना बड़ा सा ट्यूब है, ट्यूब का हाँ मेरे हाथ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना छोटा है, और ये 30 ग्राम का है, ठीक है। ये 120 का ट्यूब आपको मिलेगा, ठीक है। 120 का ट्यूब है और ये 120 का ट्यूब आपको प्रोवाइड मिलेगा फार्मेसी में। और यहाँ पर भी आपको वही यूजर्स दिए गए हैं, आप आसानी से इसे पढ़ सकते हैं, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। इसमें सारे जो भी चीज़ें दी गई हैं वो चीज़ आपको प्रोवाइड की गई हैं और सेम टू सेम जैसे कि ऊपर की पैकेजिंग है वैसे ही अंदर की पैकेजिंग दी गई है। अब बात कर लेते हैं इसको ओपन करने की। ओपन करने के बाद ये किस तरह से दिखता है उसकी बात कर लेते हैं, और इसको मैं आपको दिखाऊंगी भी कि कैसा जेल फॉर्म में है। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से जेल निकलता है, जैसे एलोवेरा या फिर आपको क्रीम फॉर्म में ही है। ये देखिए, थोड़ी सी महक होगी क्योंकि ये दवा है, तो ये थोड़ा सा महकेगा आप लगाएंगे तो, बाकी ये अब्जॉर्ब हो जाता है स्किन में आसानी से। ये देखिए, कोई भी स्टिकनेस नहीं है, बिल्कुल आसानी से अब्जॉर्ब हो जाएगा आपके हाथों में। ये देखिए, चिपचिपा भी नहीं है, तो आप आसानी से इसे, बिल्कुल जेल फॉर्म में है तो आप आसानी से अपने जहाँ पे भी आपको स्वेलिंग है तो आप थोड़ा सा ठंडा ठंडा भी लगेगा जब आप इसे यूज़ करेंगे, क्योंकि मेंथॉल जेल है, ठीक है। तो आप ज़रूर इसे परचेज करिए और परचेज करने के बाद आप इसे यूज़ करिए, और यूज़ करने के बाद अगर आपको रिलीफ मिलता है तो बिल्कुल इस वीडियो पे आकर कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, अगर लिंक प्रोवाइड होगा हमें तो मैं इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।